जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि बहुत सारे दोस्त हमारे बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्त अभी डेट कंफर्म होने के चक्कर में पड़े हुए थे, हम आप लोगों को बता दें कि 17 दिसंबर लगभग कंफर्म डेट है, तो आप लोग अच्छे से अपने तैयारी में लग जाइए। तो आज हम आप लोगों को बस यही एक टॉपिक लेके आए हैं जो आपको कम से कम पीटी एग्जाम, अगर वो टॉपिक आप लोग अच्छा से क्लियर कर लिए तो आपका पीटी एग्जाम कन्फर्म हो जाएगा। तो आज हम लोग करेंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं, किस बुक से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या टॉपिक पढ़े, कि जो 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कम से कम आप लोग 22 24 से लेके 26 28 तक बना सके। तो हम सबसे पहले बता दें कि आप लोग करेंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया या एसपीडी मात्र दो ही बुक पढ़िए। जो लोग पहले से और बुक पढ़ रहे पढ़िए, लेकिन अभी जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो मात्र एडुटेरिया एसपीडी यही दोनों बुक पढ़ना है। और वो बुक में मेन मेन टॉपिक क्या है, तो हम आप लोग के लिए मेन मेन टॉपिक जो लिख के रखे हैं, जो हम लोग अपना तैयारी करते उस टाइम जो गेस करके रखते थे, वैसे ही हम आप लोग के लिए इस टाइम भी गेस करके आप लोग को दे रहे हैं। ये टॉपिक आप लोग कन्फर्म पढ़ लीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है? ये टॉपिक आप लोग बुक से अच्छा से कर लीजिए। इस टॉपिक से आपको लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन आएंगे और कुछ इधर उधर से आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि जो पुस्तक और लेखक होते हैं उससे कम 2 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो उसको तो एकदम कन्फर्म आप लोग 1 साल का जितने भी पुस्तक और लेखक होते हैं उनका अच्छा से याद कर लीजिएगा। जो 1 साल पहले अवार्ड उवार्ड भी मिला था वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, पुस्तक से संबंधित जो अवार्ड होता है, ठीक है? उसके बाद से सम्मेलन, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो वो भी आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण योजना, जितने भी राज्य के जो जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती है उसको अच्छा से पढ़ लेना है, उससे 2 क्वेश्चन लगभग कन्फर्म आते ही हैं, ठीक है? उसके बाद से है महत्वपूर्ण दिवस और थीम, तो महत्वपूर्ण दिवस और थीम आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, कन्फर्म है कि ये सब आते हैं टॉपिक, इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, तो ये भी अच्छा से पढ़ ली। उसके बाद से खेल, खिलाड़ी और खेल का आयोजन कहाँ हुआ, क्या हुआ, खेल से रिलेटेड जितने भी है आराम से आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ये टॉपिक आप लोग आराम से अच्छा से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो होता है उसका आयोजन स्थल से लेकर किन किन देशों के बीच होता है, ये भी एक टॉपिक आप लोग अच्छा से क्लियर कर लीजिए, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, जो किसी भी संस्था संगठन के अध्यक्ष हो जो भी नियुक्त किए जाते हैं, ये टॉपिक भी आप लोग अच्छा से क्लियर कर लीजिए, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जैसे इसरो, नासा और सब भी जो है इससे रिलेटेड जितने भी अभियान होते हैं, मिशन, वो सब आप लोग अच्छा से कर लीजिए, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी में जितने भी कुछ आविष्कार हुआ, चाहे कुछ हुआ, चाहे IIT जो हमारे भारत के जितने भी IIT है कुछ सर्च करता है, ये सब अच्छा से कर लीजिए, इससे भी 2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद से GITEC आप लोग याद कर लीजिए, इससे 1 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं GITEC से, आप लोग GITEC अच्छा से पढ़िए। उसके बाद से क्या है, RBI अन्य वित्तीय संस्था और उससे द्वारा जारी रिपोर्ट वोपोर्ट, ये भी अच्छा से पढ़िए, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से जितने भी पुरस्कार है राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये अच्छा से कर लिए, इससे 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। फिर हो गया नदी बांध जल विद्युत परियोजना, जो चर्चा में रहे, जैसे पुराने भी नदी बांध है वो चर्चा में किसी कारणवश है, या कोई नया नदी बांध ये सब बनाया गया है जल विद्युत पर, उसको अच्छा से पढ़ लेने, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से कुछ विविध क्वेश्चन जो इधर उधर से आते हैं, जो आप लोग पूरा बुक पढ़िएगा प्रैक्टिस करिएगा तो वहाँ से 3 4 क्वेश्चन आएंगे। ये जो हम टॉपिक बता दिए इसको देख लीजिए तो लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। तो आप लोग मेन ये टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करो, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका क्लियर हो जाएगा तो समझिए आप लोग पीटी के दावेदार हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि किन्हीं का GK GS इतना भी बुरा नहीं होगा कि वो 70 में है, कम से कम अपना 40 45 नहीं मार पाए, ठीक है? तो करंट अफेयर्स आप लोग एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कम से कम आपको अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 22 23 आप लोग को मारना है, ठीक है? तो इसके लिए बुक पढ़ना है, बुक के साथ प्रैक्टिस सेट भी करना है। तो जिससे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो पैड बैच है वहाँ कराते हैं, वहाँ डेली 100 क्वेश्चन कराते हैं, टॉपिक देकर कराते हैं, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मिक्स कराएंगे। उससे क्या होता है कि डेली 100 क्वेश्चन मारते हैं लोग, टॉपिक पढ़ते हैं तो एकदम करंट अफेयर्स लोग को एकदम माइंड पर सेट हो जाता है। ऐसे ऐसे है कि वहाँ लोग 100 में 90 95 97 ऐसे ऐसे मारते हैं, ठीक है? तो जो करेंट अफेयर्स अच्छा जिनका हो जाएगा पीटी में उनका आराम से रिजल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये टॉपिक अच्छा से क्लियर कर लीजिए, और जो लोग हमारे अभी पैड बैच पर नहीं जुड़े हैं, जहाँ बिहार दरोगा BSSC का तैयारी चल रहा है, वहाँ आप लोग जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द गोल्डन बैच, आप लोग सर्च करिएगा वहाँ से भी आ जाएगा। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में वहाँ लिंक पिन कर देंगे, आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। बस यही कहना था, जय हिंद।